अनंत जीवों के कल्याण हेतु यात्रा करने के लिए उन्होंने रूप धारण किया नीलकंठ वर्णी का। नीलकंठ वर्णी संसार के सारे बंधनों को त्याग कर 29 जून सन 1792 की रात को अयोध्या से निकल पड़े। जीव प्राणी मात्र के कल्याण के लिए शुरू हुई उनकी इस अद्वितीय कल्याण यात्रा के प्रथम लगभग 4 महीनों में उन्होंने अयोध्या से अमरपुर, नैमिषारण्य, बरेली, नारदवन, हरिद्वार, श्रीपुर, गुप्त काशी, त्रियुगी नारायण और गौरी कुंड आदि स्थानों से होते हुए केदारनाथ की यात्रा की। केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जाने का अति विकट रास्ता पार करके उन्होंने बद्रीनाथ की यात्रा की और शीत ऋतु में बद्रीनाथ से ज्योतिर्मठ होते हुए नीलकंठ वर्णी मानसरोवर की ओर बढ़ चले। सत्यं वद, सत्यं वद, धर्मं चर, धर्मं चर, सत्यान्न प्रमदितव्यं, सत्यान्न प्रमदितव्यं, धर्मान्न प्रमदितव्यं, धर्मान्न प्रमदितव्यं। धर्म पालन, अहिंसा, सेवा, यह सब अच्छे मनुष्य जीवन के लक्षण हैं और इसीलिए इन सब सद्गुणों को अपनाते हुए परोपकारी जीवन जीना चाहिए। उसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बड़े ध्यान से सब सुन रहे हो, क्या समझ में आ रहा है? कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछना, झिझकना मत। निस्वार्थ सेवा भावना और सदाचार में कोई बुराई नहीं है, पर केवल सत्वगुणी प्रवृत्तियों से ही जिया गया जीवन परम कल्याण के लिए पर्याप्त है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि केवल इन सब में ही जीवन व्यतीत हो तो स्वयं का कल्याण कैसे होगा? बड़े गुणी लगते हो, विद्याभ्यास से भी लगते हो और तर्क भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर लेते हो। तो आप ही बताओ, आपका क्या विचार है, मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए? ऐसा जीवन जो उस उच्चतम विद्या को पाने के लिए जिया गया हो, जिसे जानने के बाद और कुछ भी जानना बाकी न रह जाए। पर ऐसी कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या, जिससे अपने अहंकार, स्वभाव, अज्ञान, इंद्रियों एवं अंतकरण की गुलामी, हर प्रकार के दुख, सारे बंधन, जन्म मरण के चक्कर, इन सब से मुक्ति पाकर आत्यंतिक कल्याण प्राप्त होता है। पर केवल स्वयं के कल्याण के लिए जिया गया जीवन स्वार्थ सिद्धि का पर्याय बनकर ही नहीं रह जाएगा? यदि व्यक्ति यथार्थ रूप से आत्यंतिक कल्याण के मार्ग पर चल पड़े तो उसका जीवन अपने आप ही सबके लिए कल्याणकारी बन रहता है, एक यज्ञ के समान बन जाता है, सबकी भलाई का यज्ञ, सबकी सेवा का यज्ञ, सबके कल्याण का यज्ञ। अच्छा, अब पर आप हो कौन? मैं नीलकंठ हूँ। आप इस उम्र में
ऐसे अकेले क्यों निकल पड़े हो? सबको परम कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। उम्र से तो आप शिष्य जैसे लगते हो, पर ज्ञान से गुरु हो। सरोवर जाते हुए रास्ते में नीलकंठ वर्णी पुण्यवंत तपोभूमि बद्री वन में आए। वहां असाधारण तपश्चर्या करने का संकल्प लेकर वन में अविरत 3 मास तक असाधारण तपश्चर्या करने के बाद भी नीलकंठ वर्णी और ऊपर मान सरोवर जाने के लिए उत्सुक थे और निश्चिंत थे। और यहाँ नीचे ज्योतिर्मठ में बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी जी चिंतित थे। पुजारी जी, ऐसा हिमप्रपात तो हर साल शीत ऋतु में होता रहता है,
आप इतने चिंतित क्यों हो गए? क्योंकि इस साल शीत ऋतु में एक नन्हा बालक मानसरोवर की ओर चल पड़ा है। हमें यहां इतनी संरक्षित जगह पर रहते हुए भी चिंता हो जाती है, तो उसे वहां कितनी चिंता होती होगी, कितना डर गया होगा वो, जिस भूमि पर शीत ऋतु में खड़ा रहना ही मुश्किल है, वहां अपनी यात्रा कैसे करता होगा वो, बर्फ के वीरान रेगिस्तान में केवल 11 साल का मासूम अकेला। के हुए रास्तों से भी मार्ग निकालकर नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ रहे थे, जहां ठंड से लड़ते लड़ते सूरज की किरणें भी हार जाती थीं, वैसे बर्फ के रेगिस्तान में सूरज से भी अधिक देदीप्यमान रहते हुए। सन 1793 की शीत ऋतु के प्रारंभ में नीलकंठ वर्णी ज्योतिर्मठ से बढ़ चले थे और शीत ऋतु के बढ़ते हुए प्रभाव के साथ उनके चरण और आगे बढ़ रहे थे भारत के उत्तर में तिब्बत में स्थित मानसरोवर की ओर। किसी भी प्रकार की आपदाओं से ऊपर उठकर अपनी यात्रा को अविरत रखने की स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार नीलकंठ वर्णी बढ़ चले विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रदेश तिब्बत में।
मानो कोई भी विपत्ति ऐसी बनी ही नहीं थी जो नीलकंठ वर्णी के सदा आगे बढ़ रहे चरणों को रोकने में समर्थ हो। चाहे वो सफेद बर्फ से प्रतिबिंबित होकर आंखों को चौंधिया देने वाली सूरज की किरणें हों या साक्षात मृत्यु के समान उमड़ते बवंडर। नीलकंठ वर्णी ने अपनी यात्रा को जारी रखा हिमालय के शिखरों से भरे हुए प्रदेश तिब्बत में। हिमालय के उत्तुंग बर्फीले पर्वतों का विश्व तिब्बत, जिसकी औसतन ऊंचाई 16,000 फीट है और जो विश्व की छत कहलाता है, वहां शीत ऋतु में शून्य से नीचे 40 अंश तक के तापमान में नीलकंठ वर्णी अकेले मानसरोवर की ओर बढ़ रहे थे। परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि। ज्योतिर्मठ से मानसरोवर की यात्रा शुरू करने के लगभग 4 महीनों के समय में नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे कैलाश पर्वत के निकट स्थित क्षेत्र में। लगभग 21,700 फीट ऊंचे कैलाश पर्वत की तलहटी में राक्षस ताल सरोवर के निकट लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मीठे जल के सरोवर मान सरोवर पर नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे। मानस क्षेत्र की प्राण घातक शीत ऋतु में नीलकंठ वर्णी ने संकल्प किया लगभग 320 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए मानसरोवर की लगभग 88 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करने का।
नियम और भक्ति क्रियाओं के पालन में कोई भी समझौता न करके नीलकंठ वर्णी मुमुक्षु मात्र के लिए जैसे एक उदाहरण प्रस्थापित कर रहे थे। जहां शीत ऋतु में पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, वहां भी स्नानादिक नित्य नियमों का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक नित्य पूजा के नियम को भी दृढ़ रखते हुए जन्म में आप सब हंस हैं और अगले जन्म में आप मेरे परम हंस बनेंगे। इस जगत में साधुत्व के जो परम विशिष्ट आदर्शों का सृजन होगा उसका आप सब हिस्सा बनोगे। पश्चिम दिशा में मुमुक्षु मेरी प्रतीक्षा में है। भविष्य में वहां मेरा कार्यक्षेत्र होगा। समय आने पर आप सबको वहां मनुष्य जन्म मिलेगा। मैं वहीं आपको मिलूंगा। शीत ऋतु तिब्बत प्रदेश में बिताकर नीलकंठ वर्णी पुनः बद्रीनाथ जाने के लिए निकल पड़े। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित बद्रीनाथ में नीलकंठ वर्णी पुनः आ पहुंचे। जय बद्रीनाथ जी की जय। बद्रीनाथ पुजारी जी आ गए। नमो नारायण, नमो नारायण। जय बद्रीनाथ पुजारी जी। नीलकंठ वर्णी, आप नीलकंठ वर्णी हो जी? पुजारी जी। अरे प्रभु, जब भी आपको याद करता था तब चिंता होती थी कि आप किस हाल में होंगे।
जीवित भी होंगे या नहीं। जाते समय मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपसे फिर मिलूंगा। सो आ गया। परंतु आपका शरीर? कितना दुबला पतला हो गया है। चलिए सबसे पहले कुछ अन्न ग्रहण कर लीजिए। आइए प्रभु पधारिए। यहां से चलिए प्रभु, इस तरफ से पधारिए। मानसरोवर जाने से पहले अंतिम भोजन आपके वहां ज्योतिर्मठ में किया था और वहां से लौटकर प्रथम भोजन भी आप ही के यहां कर रहा हूं। अकल्पनीय। वहां ऊपर 6 महीने तक आप क्या खाकर जीवित रहे? वायु। मुमुक्षुओं के भावों को परख कर उन्हें अपने संबंध से कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करते रहने का नित्य क्रम नीलकंठ वर्णी ने अखंड रखा था। उनके साथ उनकी जगहों पर उनके ही जैसे बनकर रहते हुए इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग परम कल्याण के लिए होना चाहिए, नाशवंत भौतिक सुखों के लिए नहीं। और कभी प्रत्यक्ष रूप से साथ रहने का योग न रहे तो अपनी स्मृतियों और वचनों के सहारे कल्याण के मार्ग पर चलते रहने का सुयोग करवाते हुए। प्रभु आपने कहा था कि आपकी यात्रा कल्याण के लिए है, परंतु आपकी इतनी कष्टदायक यात्रा से किसी का कल्याण कैसे होगा? इस पृथ्वी पर जगह जगह पर अनेक मुमुक्षु हैं जो सच्चे भक्ति भाव से साधना कर रहे हैं। मुझे यात्रा करके उनसे भेंट करनी है, उन्हें कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करना है। दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं पर इतना कष्ट? नीलकंठ, आपकी यात्रा सच में कल्याण यात्रा ही है। मेरा परम सौभाग्य कि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला। मेरा ध्यान रखने के लिए आपका भी धन्यवाद। आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा नीलकंठ वर्णी। शुभम भवतु। प्रणाम। गंगा के प्रवाह समान अविरत और गतिशील ऐसी अपनी कल्याण यात्रा में नीलकंठ वर्णी बद्रीनाथ से गंगोत्री जाने के लिए बढ़ चले, और वो भी कोई सीधा सादा रास्ता न चुनते हुए बद्रीनाथ से सीधे गंगोत्री जाने के अति विकट मार्ग पर बर्फ की समाधि जैसे प्रदेश में बर्फ की आंधियों, बर्फ के प्रपातों और बर्फ के तांडवों को पार करते हुए।
तटवर्णी गंगा जी के उद्गम स्थान गौमुख आ पहुंचे। गंगोत्री आ पहुंचे और वहां से हरिद्वार आ पहुंचे। सर्वोत्कृष्ट कल्याण की प्राप्ति के लिए सच्चे गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार दुर्लभ मनुष्य देह का उपयोग कर लेना चाहिए। नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे अयोध्या में, जहां से लगभग एक साल पहले उन्होंने अपनी इस कल्याण यात्रा का प्रारंभ किया था। जिसकी गली गली में नीलकंठ वर्णी के बाल घनश्याम स्वरूप की अनेक स्मृतियों के भंडार भरे हुए थे, उस अयोध्या नगरी में सब कुछ पूर्ववत यथावत लग रहा था। अरे भाई, इधर उधर मत देखो, काम में ध्यान दो, ये मेरे सर पे रख दो। अब जाओ। आओ भैया, आओ। मटका खरीद लो। क्या सोच में पड़े हो महाराज? हाँ? सोच रहा हूं कि ये संसार का चक्कर भी अजीब है, हर कोई अपने कारोबार में लगा पड़ा है, शायद ये सोचकर कि उनके बिना सब कुछ अटक जाएगा। पर सच तो ये है कि यहाँ एक दिन हर एक को अटक जाना है, और यहाँ से अटक कर वहाँ चले गए, फिर यहाँ का क्या? कुछ खास नहीं, थोड़े दिनों का विरह, थोड़ा रोना धोना, थोड़ा शोक, और उसके बाद वही उद्यम, सब कुछ यथावत, जैसे थे वैसे। किसी को किसी के होने या न होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, सब अपने अपने मसले में है। सही कहा आपने। इंसान अपने नश्वर कार्यों में ही इतना मग्न है कि स्वयं परमात्मा भी उसके सामने प्रकट हो तो उन्हें भी पहचानने की तसदी ना ले। परमात्मा सामने और प्रकट? हाँ, जब भी जीव को इस पृथ्वी पर मनुष्य देह मिलता है तब परमात्मा किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जरूर प्रकट होते हैं। यदि मुमुक्षु को उनका यथार्थ प्रसंग हो तो उसकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। वैसे यहाँ से मुक्तिनाथ जाने के लिए कौन सा मार्ग उचित रहेगा? बताओ भाई। यहाँ से उस तरफ वंशीपुर है, और वहाँ से उत्तर पूर्व दिशा में नीलगिरी पर्वत की ओर बढ़ते चलिए। अरे सब लोग यहाँ आ जाओ, चलो चलो, भोजन तैयार है। प्रणाम। नीलकंठ वर्णी ने लगभग एक साल पहले अयोध्या से अपनी कल्याण यात्रा का प्रारंभ करते हुए सरयू नदी में कूदकर उसे पार करके जाने का मार्ग अपनाया था, और आज अयोध्या से मुक्तिनाथ की ओर जाने के लिए भी उन्होंने वही मार्ग अपनाया। सरयू नदी को पार करके मुक्तिनाथ की ओर बढ़ चले नीलकंठ वर्णी हरैया गांव में आए। ये लीजिए,
कुछ भोजन कर लीजिए वर्णी जी। प्रणाम प्रभु। बड़ी दिव्य और असाधारण प्रतिभा है आपकी। शायद आप वही हैं जिनकी भक्ति हम करते हैं, जिनके आशीर्वाद से हमारा राज्य, हमारा संसार चलता है। आपके आगमन से मेरे राज्य की धरती तो पावन हो ही गई है। अब कृपया मेरे राजभवन में पधार कर उसे भी धन्य कीजिए। आपके और आपके परिवार के बलिष्ठ संस्कार हैं, इसीलिए मैं आपके वहां जरूर आऊंगा। नीलकंठ वर्णी वंशीपुर गांव आ पहुंचे। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो प्रभु आवन की, मन भावन की प्रभु आवन की, मन भावन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो आपन आ
लेखन आवे लिख नहीं भेजे बान परी लल चावन की ये धोने ना कहो नहीं माने ये धोने ना कहो नहीं माने नदिया बहे जैसे सावन की नदिया बहे जैसे सावन की कोई अरे ये महाराज पैदल चलकर क्यों आ रहे हैं हाँ और घोड़े के ऊपर कौन बैठा है देखूं तो महाराज पैदल अवश्य ही कोई विशिष्ट अतिथि होंगे सच में कोई दिव्य व्यक्ति है सब सब चलो उनके स्वागत की तैयारी करो जी महारानी जी और सुनो राजकुमारी ईला और सुशीला को भी बुला लो जरूर महारानी जी वर्णी जी हमारे राजा धर्म पालन के आग्रही है और उसके फलस्वरूप उनके ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा है कि उन्हें इतनी प्रतिष्ठा इतना मान सम्मान इतनी धन दौलत इतना वैभव ऐसा श्रेष्ठ भोजन सब कुछ प्राप्त है धर्म का संबंध केवल धन दौलत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बाह्य वैभव और बाह्य व्यक्तित्व से नहीं किंतु आंतरिक प्रतिभा से है प्रभु हमारा कोई पुत्र नहीं है उस बात से मैं चिंतित रहती थी पर अब आपके आने से मेरे पुत्र की कमी पूरी हो गई अब आप यहीं रुक जाइए आपके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं
और आपका भक्ति भाव भी है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और आपकी तरह और कई मुमुक्षों को भी मुझे मिलना है। मन में बड़ा मुस्कुरा रही हो, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ नीलकंठ वर्णी कितने महान व्यक्ति हैं, सरल जीवन और उच्च विचार। और हमारी ईला और सुशीला भी कितने भक्तिभाव से उनकी सेवा में जुड़ गई हैं। कंठवर्णी, कई दिनों से आप हमारे साथ हमारे स्वजन की तरह ही बस रहे हैं। और केवल हम ही नहीं, पर यहाँ छोटा बड़ा हर कोई आपको अपना स्वजन समझने लगा है। सभी को आपसे लगाव हो गया है। इतने दिनों से आपका जीवन निकट से देखकर हमें प्रतीति है कि आप कोई असाधारण दैवी तत्व हैं, साक्षात परमात्मा हैं। ये सब देखकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि यदि आप हमेशा के लिए हमारे स्वजन बनकर रह जाएं, तो कितना अच्छा होगा। यदि समझ में आए तो मैं तो हमेशा के लिए सबका स्वजन हूँ, एक सच्चे स्वजन की तरह हमेशा सबके साथ ही रहता हूं। अब हमारी अपेक्षा है कि हम ये सब कुछ त्याग कर आपके चरणों में न्योछावर करके मोक्ष के काम में ध्यान दें, और हमारी सारी धन दौलत, हमारी सारी संपत्ति, हमारा राज्य और ईला और सुशीला को भी आपको सौंप दें। हमारी पुत्रियों से ब्याह करके हमारा सब कुछ स्वीकार कर लीजिए नीलकंठ। आप तो साक्षात परमात्मा हैं, आपसे अच्छा पति हमारी पुत्रियों को कहाँ मिलेगा। माते, जो सबका स्वजन है उसे केवल अपना बना लेना चाहती हैं। मैं आप सबको सारे बंधनों से मुक्त करना चाहता हूँ, और आप मुझे ही ये सब बंधनों में बांधना चाहती हैं। बेटा, अभी जवानी फूटी नहीं है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, पर जब जवान हो जाओगे तब स्त्री सुख के बिना रह नहीं पाओगे। जब स्त्री सुख के लिए तड़पोगे तब एहसास होगा कि ऐसी सुंदर कन्याओं और ऐसे राज्य का प्रस्ताव ठुकरा करके तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। पर तब ये मौका निकल चुका होगा।
क्षमा कीजिएगा, पर आप मोह में अंध होकर मुझे जानते हुए भी मेरा असली स्वरूप भूल रहे हैं। यही तो माया का प्रभाव है कि जो परमात्मा की उपस्थिति में भी आपको परमात्मा का सुख लेने नहीं देता है, और ऊपर से साक्षात परमात्मा में भी माया का भाव लाकर रख देता है। माँ, पिताजी, ये नीलकंठ वर्णी तो निर्लेप है, निर्विकारी है, ये सब मोह माया से पर परम सुख के दाता स्वयं परमात्मा हैं। वे ऐसे क्षुल्लक लौकिक सुखों में क्यों बंधेंगे? हाँ माँ, मोह से मुक्त होकर और हमारी चिंता छोड़कर नीलकंठ वर्णी की महिमा को अंतर में दृढ़ रखो। हाँ बेटा। सुबह से लेकर अब तक हमने नीलकंठ वर्णी को हर दिशा में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। मैंने दूर दूर तक ढूंढा, पर नीलकंठ वर्णी नहीं मिले। माँ, वे चले तो गए हैं, पर हमें सच्ची समझ देकर गए हैं, हमारा कल्याण करके गए हैं। उन्होंने कहा था ना कि उन्हें तो अभी अनेक मनुष्यों का कल्याण करना है। वे कहते थे ना कि यदि समझ में आए तो एक सच्चे स्वजन की तरह वे हमेशा सबके साथ ही रहते हैं, वैसे ही वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हाँ बेटा। हर एक को हर बंधन से मुक्त करके परम कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए जिनकी ये कल्याण यात्रा थी, वो नीलकंठ वर्णी किसी भी प्रकार के मायिक बंधनों में बंध कर कैसे रह सकते थे? अपनी कल्याण यात्रा को अविरत रखते हुए नीलकंठ वर्णी बढ़ चले वंशीपुर से मुक्तिनाथ की ओर।